नाउ अबाय हमारा स्टेडी स्टेट एरर्स इन टर्म्स ऑफ जीएस, और ये जीएस इस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। सो फिलहाल के लिए हम किसकी बात करेंगे, यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स की बात करेंगे, जिसका ओपन लूप, जिसका फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन जीएस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट मीन्स लाइक दिस, जी ऑफ एस ये जो होगा दैट इज सी ऑफ एस, ये होगा आपका आर ऑफ एस, ठीक है। और ये सम्मेशन ब्लॉक यहाँ पे लगेगा, और यहाँ से यही सी ऑफ एस आएगा। सी ऑफ एस क्या है, आपका आउटपुट। अगर यहाँ एच ऑफ एस वन है तभी ये डायरेक्टली आउटपुट यहाँ पे आएगा, और तब भी ये समिंग पॉइंट आपको क्या करके देगा, आर एस माइनस सी एस करके देगा, जिसको आपने किसका नाम दिया है, एरर का नाम दिया, ठीक है। सो ये सी ऑफ एस एग्जैक्टली उठ के आना चाहिए, दैट मीन्स एच एस वन होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको इनपुट माइनस आउटपुट मिलेगा, जिसको हम एरर बोलते हैं। सो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए जो भी हमारा एनालिसिस है वो यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए है, ठीक है। अगर एच एस नॉट इक्वल टू वन है, एच एस कुछ है, ठीक है, कुछ भी फंक्शन है एस का, उस केस में किस तरह से स्टेडी स्टेट एरर निकालना है वो बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमारा जो एच एस है वो यूनिटी फीडबैक होगा, वन होगा, ठीक है। सो अब मुझे जी एस की टर्म्स में मेरे को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सी ऑफ एस आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस क्या होगा, ई ऑफ एस। सो सबसे पहले ये लिखते हैं, ई ऑफ एस इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। अब बेसिकली एक और बात मुझे बतानी है, वो क्या है कि जब हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से लेके निकाल सकते हैं एरर को, सो हमें ये जी ऑफ एस से क्यों निकालें, वो इसलिए बिकॉज ये जो एनालिसिस जब आ जाएगा आपको क्लियर एक आइडिया मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एनालिसिस में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से आपको डायरेक्टली काफ़ी बातें मिल सकती हैं जो कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से नहीं मिलेंगी। इसलिए डायरेक्टली आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे लगाएं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये स्टेडी स्टेट एरर पूरे क्या है, क्लोज लूप सिस्टम है, ये स्टेडी स्टेट एरर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का आ रहा है। ये मत सोचना कि ओपन लूप सिस्टम का हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम क्लोज लूप सिस्टम का ही एनालिसिस कर रहे हैं उसके फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन को लेके, ठीक है। नाउ आर एस इज इक्वल्स टू ई एस इज इक्वल्स टू आर एस माइनस सी एस, ठीक है। नाउ इस ब्लॉक को आप देखें, ई ऑफ एस, ई ऑफ एस इधर है, इधर क्या है आपका सी ऑफ एस। सो ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज सी ऑफ एस, ठीक है। सो दैट मीन्स ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू सी ऑफ एस। सो सी ऑफ एस को आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नाउ ई ऑफ एस किस तरह से लिखा जा सकता है, आर एस माइनस सी एस, ठीक है। दैट मीन्स आर ऑफ एस माइनस आर एस माइनस सी एस इंटू जी ऑफ एस, ठीक है। बट जब आपने ऑलरेडी सी एस को ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो फिर से सी ऑफ एस क्यों लेके आना है। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ दैट ई ऑफ एस उधर ले जाएं, ई एस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सो किस तरह से होगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ई ऑफ एस प्लस ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस। ई ऑफ एस कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, वन प्लस जी ऑफ एस, ये वन प्लस जी ऑफ एस नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो क्या बचा आपका, ई ऑफ एस मिल गया आपको, ठीक है। नाउ आपको चाहिए ई टी एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ई टी आपको नहीं पता, बट ई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है। सो डायरेक्टली फाइनल वैल्यू से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से। सो ध्यान रखना ये होगा आपका एरर का क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो एस इंटू ई ऑफ एस में एस टेंड्स टू जीरो करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई एस एस मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स एस आर एस डिवाइडेड बाय वन प्लस जी एस, ठीक है। सो जो भी इनपुट होगा वो रखो, जो भी आपका फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है वो रखो, इसमें लिमिट एस टेंड्स टू जीरो रखो, और जो भी एरर आएगा दैट वुड बी द एरर फॉर द इनपुट अप्लाइड, ठीक है। नाउ
अब भैया डिफरेंट डिफरेंट आर एस को मैं रखता हूँ, ठीक है। सो ई एस एस क्या हो गया, ये हो गया, ई एस एस का फॉर्मूला है ये, ठीक है। नाउ सो सबसे पहले मैं लेता हूँ स्टेप इनपुट के लिए। सो ये क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी सिस्टम के लिए एंड फॉर एनी इनपुट। दैट मीन्स मैंने अभी कुछ स्पेसिफिक नहीं करा कि जी एस ये होना चाहिए या फिर आर ऑफ एस ये होना चाहिए, बट मैं अब इनपुट को स्पेसिफिक कर दूंगा। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, आर ऑफ एस ले रहा हूँ, आर ऑफ एस इज 1/s, सो यूनिट स्टेप इनपुट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका आर ऑफ एस 1/s हो गया, सो आपका ई एस एस क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो, एस इंटू आर एस कितना हो जाएगा, एस इंटू 1/s हो जाएगा 1, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस, ठीक है। नाउ एस का फंक्शन इस पूरे में क्या है, बस ये है। सो इस लिमिट पार्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं आप किस तरह से, इस तरह से 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस है, इधर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो था, डैट मीन्स 1 डिवाइडेड 1 प्लस लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एस, ठीक है। नाउ अब बस क्या बचा, ई ऑफ एस डिपेंड्स ओनली ऑन दिस, और ये क्या है आपका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। नाउ स्टेप इनपुट के लिए ई एस एस फाइनाइट कब आएगा, ई एस एस फाइनाइट कब आएगा, ठीक है। स्टेप इनपुट के लिए ई एस एस फाइनाइट तभी आएगा जब ये लिमिट फाइनाइट होगा, ठीक है। जब ये लिमिट जो है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एस फाइनाइट होगा, तभी ई एस एस फाइनाइट आएगा, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। नाउ अब ध्यान रखना, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एस को क्या नाम दिया गया है, के पी, ठीक है, के पी पोजिशन एरर कॉन्स्टेंट, के पी इसको नाम दिया गया है, जी ऑफ एस में लिमिट एस टेंड्स टू जीरो रख दोगे जो भी वैल्यू आएगा उसको के पी नाम दिया गया है, ठीक है। नाउ सेकेंड केस, अब मैं इनपुट लेता हूँ रैम्प, दैट मीन्स आर एस एस 1/s स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स ई एस एस इज इक्वल्स टू एस इंटू आर एस, दैट मीन्स 1/s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस, एच एस इज वॉट 1, ठीक है। सो एच एस का तो कहीं बात हो गई नहीं, चूंकि एच एस हम 1 लेके चलेंगे, सो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो है, सो ये एस यहाँ से कटेगा तो ये पावर एक खत्म हो जाएगा, सो 1/s बचा, ठीक है। सो इस केस में आप क्या देख सकते हैं कि किसी सिस्टम को अगर आप स्टेप इनपुट देते हैं तो जो एरर होगा दैट वुड बी 1/1 प्लस के पी। अब अगर ये के पी फाइनाइट है, डिपेंडिंग कि ये सिस्टम किस तरह का है, ठीक है, ये जी एस पे डिपेंड करेगा कि के पी फाइनाइट आता है या नहीं आता है, ठीक है। अगर के पी फाइनाइट है देन ई एस एस फाइनाइट होगा फॉर द स्टेप इनपुट अप्लाइड, ठीक है। नाउ ये जो एस है इसको मैं नीचे लेके चला जाता हूँ, से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एस इंटू 1 प्लस जी एस, ठीक है। एस अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, एस प्लस एस इंटू जी एस, ठीक है। नाउ अब ऊपर वाला एस का फंक्शन नहीं है, नीचे वाला एस का फंक्शन है, सो इस लिमिट को नीचे लेके चले जाते हैं, एस को जीरो रखा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो बचेगा क्या, 1 डिवाइडेड बाय लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, दैट मीन्स दिस इज द एरर फॉर वॉट इनपुट, रैम्प इनपुट। सो रैम्प इनपुट जब भी होगा तो ई एस एस इस तरह से डिफाइन किया गया है। नाउ इसको बेटर है कि हम कुछ नाम दे दें, सो इसको नाम दे दिया गया के वी, ठीक है, वेलोसिटी एरर कॉन्स्टेंट। सो अगर वेलोसिटी टाइप का इनपुट है, या छोड़ो वेलोसिटी टाइप का इनपुट है वो भूल जाओ, बस ये ध्यान रखना इसको के वी नाम दिया गया है, ठीक है। अगर खाली जी एस है तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो पुट करके जो वैल्यू होगा वो के पी है, ठीक है। अगर जी एस में एस का मल्टीप्लाई करते हैं फिर लिमिट को पुट करते हैं तो जो भी वैल्यू होगा उसको के वी बोलेंगे, वेलोसिटी एरर कॉन्स्टेंट, ठीक है। नाउ अगर आप चाहते हैं कि ई एस एस फाइनाइट हो, किसके लिए, रैम्प इनपुट के लिए, ठीक है, देन दिस शुड बी फाइनाइट, ठीक है, ये फाइनाइट होना चाहिए। सो रैम्प इनपुट के लिए, रैम्प इनपुट के लिए अगर आपको फाइनाइट एरर चाहिए देन दिस के वी मस्ट बी फाइनाइट।
अब ये मत सोचना केवी बस रैम्प इनपुट के लिए निकाला जाता है, केवी किसी भी फंक्शन किसी भी सिस्टम का आप निकाल सकते हैं, केपी केवी एंड के ए किसी भी सिस्टम का आप निकाल सकते हैं। द डेफिनेशन ऑफ केपी इज दिस, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग केवी इज दिस। एंड अब बात आती है थर्ड केस, दैट इज कि आप पैराबोलिक इनपुट अप्लाई करते हैं। सो ई एस एस इज इक्वल्स टू एस इंटू आर एस, दैट मीन्स 1/S³ डिवाइडेड बाय 1+g ऑफ एस। सो ये एस कटेगा तो ये नीचे हो जाएगा एस स्क्वायर नीचे आएगा, सो एस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, एस स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये एस स्क्वायर जी एस होगा, ये लिमिट नीचे लेके आएंगे, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा और ये बचेगा आपका, ठीक है। सो 1/ दिस वुड बी द एरर इन केस ऑफ एनी सिस्टम, जी एस स्पेसिफिक नहीं हुआ, ठीक है, इन केस ऑफ एनी सिस्टम ई एस एस फॉर द पैराबोलिक इनपुट अप्लाइड इज दिस। सो इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ भैया के ए, ठीक है, इसको नाम दिया के ए, ठीक है। सो ये है भैया लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी एस इज इक्वल्स टू के पी होता है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू जी एस करोगे तो के वी होता है, एंड लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस स्क्वायर जी एस जो करोगे वो के ए होता है, ठीक है। नाउ नाउ अब मैं ये फिर से बना देता हूँ, एस सी एस क्या होता है आपका, एस आर एस डिवाइडेड बाय 1+GS होता है अगर एच एस इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। सो फिर आपने क्या देखा, फर्स्ट आपने देखा स्टेप इनपुट के लिए कोई भी सिस्टम हो, मैंने इनपुट को स्पेसिफिक कर दिया, मैंने जीएस को स्पेसिफिक नहीं किया अभी, ठीक है। अगर स्टेप इनपुट है देन ई एस एस इज इक्वल्स टू 1/(1+)S→0 जी ऑफ एस, ठीक है। फिर मैंने इसको एक नाम दे दिया, वो है के पी 1/(1+KP), ठीक है। अब अगर के पी फाइनाइट है डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम तो ई एस एस फाइनाइट होगा, अदरवाइज जो भी होगा वो होगा, ठीक है। फिर सेकंड केस आपका है कि मैंने रैंप लिया, ठीक है, तो ई एस एस आपका क्या आया 1/(lim(S→0) S×GS, और इसको मैंने एक नाम दे दिया 1/K। ध्यान रखना लिमिट के साथ जो वैल्यू आएगा वो के वी है, ठीक है, इसको बोला गया वेलोसिटी कांस्टेंट। फिर थर्ड केस, अगर आप पैराबोलिक इनपुट अप्लाई करते हैं ऑफ यूनिट एम्पलीट्यूड, ठीक है, ध्यान रखना यूनिट स्टेप है, यूनिट रैंप है एंड यूनिट पैराबोलिक है, ठीक है। सो ई एस एस इस केस में क्या होगा, 1/(lim(S→0) S² जी ऑफ एस, और इसको मैंने नाम दे दिया के ए एक्सलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, के पी के वी के ए, ठीक है। अब ये मत सोचना कि के पी बस स्टेप इनपुट के लिए निकाला जाता है, के वी बस रैंप इनपुट के लिए निकाला जाता है, या फिर के ए बस पैराबोलिक इनपुट के लिए निकाला जाता है, ऐसा नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि के पी स्टेप इन सॉरी के पी के वी एंड के ए की डेफिनेशन ये है, कोई भी सिस्टम हो के पी का डेफिनेशन ये रहेगा, कोई भी सिस्टम हो के वी का डेफिनेशन ये रहेगा, कोई भी सिस्टम हो के ए का डेफिनेशन ये रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के पी इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, डायरेक्टली जी ऑफ एस लेना है। अब अगर आप लिमिट एस टेंड्स टू जीरो लेते हैं बट जी ऑफ एस में आप एस की मल्टीप्लाई करते हैं, देन ये जो वैल्यू होगा ये के वी होगा, ठीक है। नाउ लिमिट एस टेंड्स टू जीरो अगर आप करते हैं एस स्क्वायर जी एस, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही सिस्टम ले रहा हूँ जी ऑफ एस, ठीक है, ये इस तरह से फीडबैक अप्लाइड है, ठीक है, एक ही सिस्टम है, ठीक है, ये जी ऑफ एस मैंने यहाँ पे लिया, डायरेक्टली लिमिट रखा तो के पी आएगा, एस इंटू जी ऑफ एस लिया तो जो वैल्यू आएगा वो के वी आएगा, एंड एस स्क्वायर इंटू जी एस करके लिमिट रखा तो जो वैल्यू है वो के ए आएगा, ठीक है। सो के पी इस तरह से डिफाइंड है, के वी इस तरह से डिफाइंड है, एंड के ए इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि स्टेप इनपुट के लिए एरर अगर फाइनाइट आना चाहिए तो
तो केपी फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, स्टेप इनपुट के लिए अगर कोई सिस्टम है और वो फाइनाइट एरर दे रहा है देन दैट मीन्स केपी फाइनाइट है। रैंप इनपुट के लिए अगर फाइनाइट एरर आ रहा है देन दैट मीन्स केवी फाइनाइट है। पैराबोलिक इनपुट के लिए अगर किसी सिस्टम में एरर फाइनाइट आ रहा है देन दैट मीन्स दिस इज फाइनाइट एंड दैट मीन्स के ए इज फाइनाइट। ठीक है, सो एरर फाइनाइट स्टेप के लिए कब आएगा? जब के पी फाइनाइट होगा। रैम के लिए कब फाइनाइट एरर आएगा? जब के वी फाइनाइट होगा। पैराबोलिक के लिए कब फाइनाइट एरर आएगा? जब के ए फाइनाइट वैल्यू होगा। ठीक है, सो बिल्कुल अपने दिमाग को क्लियर कर लीजिएगा हर तरह से। बहुत सिंपल तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये कन्फ्यूजन होता है कि के पी बस स्टेप इनपुट के लिए निकाला जाता है। के पी किसी भी सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं, के वी किसी भी सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं, के ए किसी भी सिस्टम के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बट जो बात है दैट इज इनपुट से कोई मतलब नहीं है। अब क्योंकि स्टेप इनपुट के लिए एरर निकालना है तो के पी ही निकालना होगा। ठीक है, रैंप इनपुट के लिए एरर निकालना है तो उसके लिए आपको के वी निकालना होगा, बिकॉज रैंप इनपुट के लिए जो एरर है वो के वी पे डिपेंड करता है। पैराबोलिक इनपुट के लिए जो एरर है वो के ए पे डिपेंड करता है। के पी, के वी एंड के ए कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी सिस्टम। तीनों सिस्टम के लिए जी ऑफ एस सेम लिया मैंने तीनों में, बट के पी इस तरह से डिफाइंड है निकाल लिया, के वी इस तरह से डिफाइंड है निकाल लो, एंड के ए इस तरह से डिफाइंड है निकाल लो। आर ऑफ एस क्या है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, सो के पी इस तरह से डिफाइंड है, के ए और के वी इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि के पी फाइनाइट होगा तभी स्टेप इनपुट के लिए एरर फाइनाइट होगा। रैंप इनपुट के लिए फाइनाइट एरर कब होगा? जब के वी फाइनाइट होगा। पैराबोलिक इनपुट के लिए एरर कब फाइनाइट होगा? जब के ए फाइनाइट होगा। ठीक है, नाउ अब आप देखें कि के पी डिपेंड्स अपॉन जी ऑफ एस, के वी ऑल्सो डिपेंड अपॉन जी ऑफ एस, के ए ऑल्सो डिपेंड अपॉन जी ऑफ एस। दैट मीन्स के पी फाइनाइट होगा या नहीं होगा वो जी ऑफ एस डिसाइड करेगा, के वी फाइनाइट होगा या नहीं होगा वो जी ऑफ एस डिसाइड करेगा, के ए कब फाइनाइट होगा वो भी जी ऑफ एस डिसाइड करेगा। ठीक है, नाउ अब ये देखिए, अब मैं जी ऑफ एस, ये क्या है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है सिस्टम का। ठीक है, नाउ मैं जी ऑफ एस किस तरह का लेता हूँ? 1 डिवाइडेड बाय s+4, s+5 और कुछ भी इस तरह के लीनियर फैक्टर्स मैं लेता हूँ, या फिर क्वाड्रेटिक भी ले सकता हूँ, s² + 4s+5 कुछ भी ले लो। ठीक है, नाउ अब भैया मुझे ये बताइए कि इसमें अगर आप लिमिट s→0 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी के पी। ठीक है, नाउ s × gs करेंगे तो जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी के वी, s² × g(s) करके जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी के ए। ठीक है, नाउ अब बात आती है कि फाइनाइट कब होगा, कौन फाइनाइट होगा अगर gs इस तरह का है। ठीक है, सो s→0 पुट करके देखिए, 0 हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। सो 4, 5 जो 20, 2500, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 100 वुड बी योर आंसर। ठीक है, सो आपने क्या लिखा निकाला? लिमिट s→0 gs, और वो कितना आया? 1/100, दैट मीन्स आपने के पी निकाला और वो फाइनाइट आया। ठीक है, नाउ सपोज मैं क्या करता हूँ, एस ले आता हूँ। ठीक है, सो मैं एस ले आया, एक एस लेके आया। नाउ अब जी ऑफ एस ये है, पहले जी ऑफ एस क्या था? ये था। अब जी ऑफ एस क्या है? ये है। दैट मीन्स मैंने एक एक क्या ऐड करा? पोल ऐड करा एट 0 लोकेशन। ठीक है, पोल ऐड करा एट 0 लोकेशन। नाउ पोल ऐड करा एट 0 लोकेशन। नाउ अब आप के पी निकाल के देखें। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय, ये तो 100 ही रहेगा, बट 100 × 0 कितना होगा? 0। ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय एस कितना
कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 100 इनटू एस टेंडिंग टू जीरो. एस टेंडिंग टू जीरो मींस बहुत छोटा वैल्यू, ठीक है. सो बहुत छोटा वैल्यू है, जीरो के बराबर है, तो नियरली जीरो को रीच करेगा. 1 डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी. सो केपी कितना हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है. नाउ अब क्या करते हैं भैया, फिर से वही फंक्शन लेते हैं. सो अब केपी क्या हो गया भैया, इन्फिनिटी हो गया. सो दैट मीन्स एस प्लस फोर, एस प्लस फाइव, एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस 20, ऊपर लेते हैं 1, ठीक है. सो केपी फाइनाइट नहीं आया. केपी कब फाइनाइट आ रहा था, जब ये था. अब निकालते हैं भैया केवी. सो केवी के लिए क्या करना होगा, ये तो जी ऑफ एस है, केवी के लिए एस इंटू जी ऑफ एस करना होता है. सो एस इंटू जी ऑफ एस करेंगे. सो इस एस ने इस पोल को काट दिया, इस ओपन लूप पोल को काट दिया जो कि जीरो लोकेशन पे है, ठीक है. अब केवी फाइनाइट आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है. सो कितना आ जाएगा, 1/100. अब केवी 1/100 हो गया. अब अगर मैं एस स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, सपोज अब मैं जी ऑफ एस क्या ले लेता हूँ, मैंने क्या लिया, एस, ठीक है. सो यहाँ एस लिया तो क्या हुआ, जी ऑफ एस क्या आया, एस, ये बेसिकली के पी क्या आया, इन्फिनिटी. यहाँ एस है, एस इंटू जी एस करा तो के वी आएगा. इस एस ने यहाँ आके इसको काट दिया, तो अब जो वैल्यू है वो कितना हो गया, फाइनाइट हो गया, ठीक है. सो के वी इस केस में फाइनाइट हो गया. नाउ अब उसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे तो एस ही है बट मैं एस स्क्वायर जी एस कैलकुलेट करता हूँ, डैट मीन्स मैं के ए वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूँ. सो एस स्क्वायर होगा. सो अब ये एस कट गया बट ऊपर वाले में एस अब भी बच रहा है, दैट मीन्स ये एस बचेगा ऊपर. सो जीरो डिवाइडेड बाय फाइनाइट, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, जीरो. सो के ए क्या आया भैया, जीरो, ठीक है. सो ये चीज़ है. इस तरह से बेसिकली क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हैं दैट जैसे जैसे नीचे जो है जी ऑफ एस में, आप क्या ऐड कर रहे हैं, एक पोल ऐड कर रहे हैं जीरो लोकेशन पे, के पी के वी के ए जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है. दैट मीन्स अगर एक भी पोल नहीं है, अगर एक भी पोल नहीं है जीरो लोकेशन पे, ये मैं क्या ले रहा हूं, जी ऑफ एस, नीचे क्या है, एस फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का कोई भी पोल जीरो लोकेशन पे नहीं है, ठीक है. सो दैट मीन्स एस टेंड्स टू जीरो आप रखोगे तो 1 डिवाइडेड बाय फाइनाइट होगा, दैट मीन्स के पी फाइनाइट आएगा, ठीक है. के पी फाइनाइट आएगा दैट मीन्स ये फाइनाइट होगा, और ये क्या है, ESS फॉर द स्टेप इनपुट, ठीक है. सो दैट मीन्स इस फंक्शन को आप स्टेप इनपुट दोगे तो के पी फाइनाइट है, इसलिए आपको फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर मिलेगा, ठीक है. नाउ अब भैया आप क्या करते हैं, ये S है ना, ये S अगर G ऑफ S के पोल को काट दे तो क्या केवी फाइनाइट आएगा, ठीक है. मैं शॉर्ट ट्रिक के लिए बता रहा हूँ ये सब, ये शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए ये सब जानना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर आपको कन्वेंशनल तरीके से करना है तो ये सब जानने की इंपॉर्टेंस नहीं है कुछ, ठीक है. नाउ अब मैंने यहाँ पे एस ले आया, ये जी ऑफ एस है आपका, ठीक है. सो आप के पी कैलकुलेट करेंगे, सो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो रखेंगे तो ये नीचे वाला जीरो हो जाएगा, 1/0 इज इन्फिनिटी. सो के पी इन्फिनिटी आएगा, बट के वी कैलकुलेट करेंगे तो ये एस जो है ये इस एस को काट देगा, ठीक है. इस एस को काट दिया तो 1/finite आएगा, दैट मीन्स के वी फाइनाइट आएगा, ठीक है. सो अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एक पोल जीरो लोकेशन पे है तो के वी फाइनाइट होगा, अगर कोई भी पोल जीरो लोकेशन पे नहीं है तो के पी फाइनाइट होगा,
अगर एक पोल, एक जी ऑफ एस का एक पोल जीरो लोकेशन पे है, तो ये एस उसको काट देगा, तो के वी फाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड केस क्या होगा, एस स्क्वायर। ठीक है, ये एस स्क्वायर कटना चाहिए, ये कब कटेगा, जब यहाँ पे एस स्क्वायर होगा। ठीक है, तो के ए फाइनाइट आएगा। सो अगर जी ऑफ एस का जो डिनोमिनेटर है उसमें एस स्क्वायर है, तो ये और ये काट देगा एक दूसरे को, तभी ये जो वैल्यू होगा ये कांस्टेंट फाइनाइट आएगा। ठीक है, सो के पी कब फाइनाइट आएगा, जब जी ऑफ एस में एक भी एस फैक्टर नहीं होगा डिनोमिनेटर में। के वी कब फाइनाइट आएगा, जब जी ऑफ एस में एक एस नीचे होगा जो इसको काट देगा। ठीक है, के ए कब फाइनाइट आएगा, जब जी ऑफ एस में नीचे एस स्क्वायर होगा जो इन दोनों को काट देगा, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, सो ये चीज आपको पता लग गया। नाउ दैट मीन्स अब मैं कुछ एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, सो अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, सो अब मैं क्या लूंगा, जी ऑफ एस इज सच दैट देर इज नो एस फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर सेकेंड केस में मैं क्या लूंगा, जी ऑफ एस इज सच दैट कि उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें एस है नीचे और बाकी कुछ है समथिंग। ठीक है, फिर थर्ड केस में मैं क्या लूंगा, जी ऑफ एस इज सच दैट कि नीचे जो है दैट इज एक एस स्क्वायर फैक्टर है, बाकी कुछ है कुछ भी हो। ठीक है, नाउ इस केस में आप क्या देखोगे कि एस फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो रखोगे तो ये फाइनाइट आएगा। क्या फाइनाइट आएगा भैया, के पी। ठीक है, सो जी ऑफ एस में अगर नीचे एस नहीं है तो के पी फाइनाइट आएगा। ठीक है, नाउ जी ऑफ एस में अगर एस है नीचे, तो एस एस इंटू जी ऑफ एस में लिमिट पुट करोगे, दैट मीन्स के वी फाइनाइट आएगा। ठीक है, जी ऑफ एस में अगर डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस, ये एस स्क्वायर इस एस स्क्वायर को काट देगा, फिर लिमिट रखोगे तो फिर फाइनाइट आएगा। दैट मीन्स ये जो लिमिट आप निकाल रहे हो वो क्या है, के ए फाइनाइट आएगा। ठीक है, नाउ ये रो मैं केपी के लिए रखता हूं, ये रो मैं केवी के लिए रखता हूं, और ये के ए के लिए रखता हूं। सो जी ऑफ एस इस तरह से है कि भैया ये क्या है, नीचे एस नहीं है तो केपी फाइनाइट होगा। ठीक है, एंड अगर आप केवी कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, तो केवी क्या आएगा, केवी में एस से मल्टीप्लाई होगा, सो एस डिवाइडेड बाय वो होगा, तो ऊपर जीरो है नीचे फाइनाइट होगा, तो ये जीरो आएगा। ऐसे ही के ए भी जीरो आएगा। ठीक है, नाउ अब मैं जी ऑफ एस के लिए कैलकुलेट करता हूँ, जिसमें एस जो है, एक नीचे कितना फैक्टर है एस के, एस की पावर 1 है। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, के वी तो फाइनल